वैक्सीन को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, सबको उत्सुकता है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए ताकि जो कोरोना से एक तरह से जो डर और एक भय बना हुआ है वो दूर हो जाए। तो आने वाले कुछ ही दिनों बाद वैक्सीन जरूर आ जाएगा और जिस तरीके से दुनिया भर में तैयारी चल रहा है, भारत में भी बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। ICMR और भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है मिलकर के, 375 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। एम्स में ये 100 लोगों पर ट्रायल शुरू होगा और इसमें बताया गया है कि ये वैक्सीन के दो डोज दिए जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल में। एक डोज के बाद जो दूसरा डोज होगा वो 2 हफ्ते के बाद दिया जाएगा, यानी 14 दिन के बाद दिया जाएगा। ये इंजेक्टेबल है, यानी इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन दिया जाएगा और इस पे जो जिनको वैक्सीन दिया जाएगा उन पे 194 दिन तक निगरानी रखी जाएगी, यानी कि उनका 6 बार ब्लड टेस्ट होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि एंटीबॉडी कितना बना और ये 14 दिन, 28 दिन, 42 दिन, 107 दिन और 194 दिन पर ये 6 उनका ब्लड टेस्ट होगा। और इसके अलावा जो पूरा प्रोसेस है वो 45 से 60 दिन के बीच का प्रोसेस है जो क्लिनिकल ट्रायल के ह्यूमन के फेज़ 1 और फेज़ 2 का, और उसके बाद अगर इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर पर आगे इस पे काम बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिहाज से, भारत के वैज्ञानिकों के लिहाज से, और जल्द से जल्द अगर वैक्सीन आए तो कोरोना जो सबके लिए एक सरदर्द बना हुआ है उससे राहत मिलेगी।